मुझे यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, जब पहाड़ हैं, नदियाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम आए पहलगांव से तो हमें यहाँ पे जो प्रशासन की तरफ से जो भी सुख सुविधाएं थी वो हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हुई हैं, कोई ऐसी बात नहीं रही। पानी से लेकर शौचालय तक की सारी व्यवस्थाएं थी, सोने तक की पूरी व्यवस्थाएं दी थी, कंबल सब कुछ था यहाँ पे। यहाँ आके हमारे को बहुत अच्छा लगा, कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ नहीं, कभी भी जाओ, कहीं भी रुको, कहीं भी कुछ भी करो, कोई भी परेशानी नहीं है। वहाँ का खाना पीना, रहना सोना, हर तरीके की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मेरी तीसरी यात्रा है, 2010 में एक बार आया था, 2019 में एक बार आया और 2023 में एक बार आया। बहुत डिफरेंस होके अब सुविधा बहुत अच्छी हो चुकी है, श्राइन बोर्ड की भी, मिलिट्री मैन की भी, यहाँ के लोकल स्टाफ की भी, एक नंबर की सुविधा मिलने से यात्रा सुचारू रूप से अच्छा हो रहा है, दिन पर दिन सुविधा। देखिए, कश्मीरियों के बिना यात्रा तो मुमकिन नहीं है। कश्मीरियों का सहयोग तो बहुत अच्छा है, जैसे गर्म पानी करके देना, टेंट्स की व्यवस्था करवाना। अब जो चार्जेस श्राइन बोर्ड ने निर्धारित किया है वो उतना ही ले रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं, है ना। पिट्टू घोड़े वाले भी रसीद यदि कटा लें तो हम उतना ही लेते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आने के बाद ये है कि सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है। हर एक जगह पर हमें मिलिट्री ऑफिसर्स दिखते हैं, JNK की पुलिस दिखती है टू सिक्योरस, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे पहला एक इन्हीं को देखने के बाद एक ही चीज़ चली जाती है मन से कि नहीं, दीज पीपल आर देयर, दे आर देयर फॉर अस, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप उनकी रिस्पेक्ट भी उतनी ही करो। तो अद्भुत लग रहा है, बहुत भारी। और जो अमरनाथ है, और अमर भगवान शंकर जी का, और जो गुफा है महादेव पार्वती का, और चित्र माया है उसका, उसी को देखने के लिए भ्रमण माता जी के आशीर्वाद, अपने माता जी पिता जी के पूर्वज थे।